ना। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। हीरो एकदम, सर से लगे पाँव तक एकदम। अच्छी लग रही है ना तेरी सारी सेल्फी। चेक, सेल्फी क्लिक कराई है अभी इतनी सारी, और अभी चेक कर रहे हो। ओह ओह ओह, क्या बात है। अब आज आके ना बाकी की चेक कर लेना, उसमें से अगर कुछ रिटर्न हो तो टाइम पे रिटर्न हो जाएगी। अभी तक तुम्हें टाइम ही नहीं मिला है चेक शाम करने को का। करना, शाम को करना चलो ना, तुम्हें ना पता इसकी। ओ पापा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दिखाना। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे पहनते, ऐसे 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 ऐसे। थैंक यू। पहनेगा चलो लाओ, दे दो, पहना दो मुझे। ऐसे को नहीं, उल्टा पहनाता है। कल पिटाई चल मैं किया ऑफिस ना। है, तितलियां ठीक है, चलो द्रौपदी से। अरे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी। जस्ट अभी अभी रमेश निकला ऑफिस के लिए और मैं लगी हूँ काम पर। अभी सुबह के टाइम पे ना सप्लाई का पानी आता है जो बाहर वाला टैप है उसमें, तो मेरी कोशिश रहती है अभी सुबह सुबह ही ना मैं प्लांट्स को पानी दे दूँ ताकि वो पानी का यूटिलाइजेशन बढ़िया हो जाए। उसके बाद तो वही मोटर चला के पानी ऑन होता है, तो मैंने बोला चलो टाइम पर पानी दे दिया जाए। और सारे प्लांट्स जो है मैंने यहाँ पर लाइन से लगा दिए और बहुत अच्छे दिखते हैं यहाँ पर रखे हुए। यहाँ पे आके सच में इतना रिलीफ है। वहां पे पिछले वाले घर में मेरे को इतना लंबा पानी खींच के लाना पड़ता था तब जाके मैं प्लांट्स को पानी दे पाती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई टेंशन नहीं है। मेरे पौधे सच में इतने गंदे गंदे हो रखे हैं, एकदम डस्ट लगी हुई है सब प्लांट्स मतलब लीव्स पे। ये देखो मेरा रोज है ना, ब्यूटीफुल। और ये है मेरा बैंगन का प्लांट, इसमें दो फ्लावर्स आए थे लेकिन वो टिक नहीं पाए, पता नहीं शायद अभी बीच में मेरी तबीयत खराब थी ना तो शायद पानी वानी नहीं दे पाई थी तो वो अंडर वाटरिंग हो गई थी। दो हो यार उतने अच्छे से, मतलब एक तो था कि फ्लावर निकल के फ्रूट बनने को रेडी था और वो तब टूटा, और पहले वाला भी वाला फ्लावर खिल के फिर टूट गया था। तो अब मेरे को मतलब मैंने ब्रिंजल तो पहली बार ही लगाए हैं तो देखती हूँ, मुझे इतना आइडिया भी नहीं है। और मे भी शायद ये है कि इतने से ही बॉट में मैंने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं, और अब यहाँ तो मैं प्लांटर में ही कर सकती हूँ और कोई ऑप्शन है नहीं, बट देखते हैं अभी। वो देखो दो अभी और जो है ना आ रहे हैं, ये देखो ये दो और आ रहे हैं, तो अब आगे देखते हैं टिकते हैं नहीं टिकते हैं। तो अब मैं आंगन की ना धुलाई करने वाली हूँ। एक्चुअली सप्लाई का पानी आ रहा है अभी भी, और सप्लाई का पानी होने से ना ऐसा लगता है कि हाँ चलो थोड़ा सा मतलब धो दिया जाए बढ़िया रहेगा, क्योंकि ना इससे क्या है ना थोड़ा पानी का यूटिलाइजेशन भी हो जाता है, और फिर अगर अंदर वाले पानी से करो ना फिर लगता है जैसे पानी को आप वेस्ट कर रहे हो। तो बेटर है ये टाइम से एक दो घंटे के लिए पानी आता है तो मैं कोशिश करती हूँ उस टाइम पर ना मैं फटाफट से अच्छे से मतलब फ़ायदा उठा लूँ उस पानी का। और अभी मैं इतना दबे पैर धीरे धीरे कर रही थी यहाँ पर, क्योंकि ना एक तो ये मार्बल फ्लोरिंग है बहुत ना स्लिप कर रही थी मैं, तो मैं धीरे धीरे लगी हुई यहाँ पर। तो चलिए फटाफट से मैं फ्लोर क्लीन कर लेती हूँ और फिर चलूँगी किचन में, क्योंकि ये पानी के चक्कर में ना मैं किचन में ना जाकर पहले यहीं आ गई क्लीन करने के लिए। तो आज नाश्ते में कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा ना वो चीड़े भाजा बना रही थी मैं, वो जो पोहा को थोड़ा सा रोस्ट करके और पीनट्स डाल के। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पीनट जो है वो फ्राई करके निकाल लिया है, और ये जो तेल देख रहे हो ये ना कल शाम का है, ये एक्चुअली इसमें हमने वो बैंगन भाजा किया था तो इसमें ना हल्का हल्का हल्दी भी है। तो ये मैंने जब इसमें पोहा डाला और इसको खा के देखा तो हल्दी डालने का ना थोड़ा अलग सा टेस्ट आया। वो ये कि पहले जब हम नॉर्मली घी या तेल में रोस्ट करते थे हल्का सा नमक डाल के,
तो उसमें ना थोड़ा सा जब हम इसको च्यू करते थे तो दांत में लगता था, लेकिन जब ये हल्दी देख रही हूँ ना, हल्दी डाल के इसको खाया तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत फुरफुरी सी, बहुत सॉफ्ट सी है, एट द सेम टाइम बहुत क्रंची भी है। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा तो हल्दी में डालने ही डालने वाली हूँ। और ये कॉफ़ी भी बन के रेडी हो गई है, ये हो गया है मम्मी का नाश्ता। लड्डू के लिए भी मैंने थोड़ा सा नमकीन निकाल के रख लिया, उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैं ले आई कैरेट्स, ये कैरेट्स बहुत दिन, मतलब बहुत दिन क्या, मतलब हो गए इसको 4-5 दिन लाए हुए। तो मैंने बोला चलो इसका कुछ तो हो नहीं रहा, मैं ही इसका जूस बना के पी लेती हूँ। आजकल मैंने चाय कॉफ़ी सब छोड़ी हुई है, आजकल मैं बड़ा जूस वगैरह पीती हूँ। अभी इससे पहले मैंने हल्दी वाला पानी भी पिया था, मतलब थोड़ा गुनगुना पानी में हल्दी मतलब डालकर, तो आजकल मैं वही पी रही हूँ। और अब मैं पीऊँगी चाय और कॉफ़ी के जगह जूस, कैरेट जूस। तो अच्छा है, गर्मी भी आ गई है। और ये जो किचन है ना, सच में इतना रिलीफ है यहाँ काम करके। पुराने वाले किचन को तो मैं याद करती हूँ तो ही दुखी हो जाती हूँ। सच में यहाँ पे क्या है, अप्लाइंसेस वगैरह ना आप काउंटर टॉप में रख भी दो, मतलब यू शेप किचन है, तो कहीं पर भी जैसे मतलब काफ़ी सारी जगह है अप्लाइंसेस रखने के लिए। तो ये नहीं होता कि हाँ भैया जगह नहीं है, वो जूस पैक करके रखा है जूसर, फिर निकालो और फिर बनाओ। उसमें सच में ना बहुत ज़्यादा ना मतलब लेजी फील होता है यार, अब निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, काउंटर टॉप में रखा हुआ है सारी चीज़ें, जब मन किया ग्राइंड किया, जूसर निकाल जूस निकाला और लिया, तो मतलब अच्छा है। तो अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत और चीज़ें ले लूँगी इसके साथ, और उसके बाद लगती हूँ बाकी कामों में। तो अभी जूस पीने के बाद ना ये सारे जूसर के अटैचमेंट्स जो है मैंने धो धा के लगे हाथ रख दिए हैं। सच में जूस पीने के बाद ना ये थोड़े बहुत अटैचमेंट्स में धोना धाना, ये सच में थोड़ा झंझटबाजी है, बट एक बार अगर करने लग जाओ ना फिर तो आदत बन जाती है। तो मैं आजकल ये थोड़ी कोशिश कर रही हूँ। तो और अभी क्या है, ये लाल चौलाई का साग जो है धो धा के मैं चॉप कर रही हूँ। एक्चुअली मम्मी आज बनाएंगी ये चौलाई का साग, तो चॉप करने के लिए कहा है मुझे, तो मैं चॉप करके उनको दे के जा रही हूँ, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके जा रही हूँ। और साथ में अनियन और ये सब भी चॉप करने के लिए कहा है, तो वो भी फटाफट मैं कर दूँगी। और लगे हाथ जो है चावल भी मैं सोख करके रख दूँगी। एक्चुअली इससे क्या होता है कि चावल थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और जो गैस है वो भी थोड़ा कम यूज़ होता है वाइल कुकिंग। और अब मैं कर लेती हूँ फ्लोर क्लीनिंग, झाड़ू वगैरह सब सुबह ही लगा लिया था मैंने, और इसके बाद सीधा चले जाऊंगी मैं नहाने के लिए। लहसुन प्याज फ्राई हो रहा है लाल चौलाई साग के लिए, उससे पहले ये बैगन फ्राई करके उतार लिया है। और दूसरी साइड चल रहा है हमारा मसूर दाल, वो तो दोनों भी। अच्छा, आ गई हूँ शाल लेके, सारा काम वाम करके मैं चली गई थी शाल लेने के लिए, आके जस्ट पूजा की है और अभी बस किचन में गई थी। ये डाल दी हल्दी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, नमक, टमाटर, हरी मिर्च डाल दिया और अब बस इसको ढक के पकने देंगे। ये है आज हमारा लंच, राइस, बैगन भाजा, चौलाई का साग और दाल। हम करने बैठे हैं लंच, और ये चौलाई की जो साग है ना मुझे इतना ज्यादा फेवरेट है। मैं बचपन से ही ना मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि मैं मतलब इतना पसंद है कि साग से ही सारा राइस खा लेती थी और बाकी सब बच जाता था। मुझे इतना पसंद है, मतलब सारे साग में से ज्यादा मुझे ये ज्यादा पसंद है। चल तेरे को पहले खा लेती। लंच कर लिया और साग इतना मस्त बना था,
बचपन में ना मतलब ये वाला साग खाके ना मैं हमेशा तारीफ करती थी, तो मम्मी कहती थी बस बस तारीफ मत कर, साग खाके तारीफ नहीं करते। अब पता नहीं ये बात क्यों बोलते हैं। तो लड्डू अभी सो चुका है, आजकल उसका क्या रूटीन है, सुबह ना बहुत लेट उठता है, बहुत लेट मतलब 9:30 तक बजा ही देता है। लेकिन जिस दिन अगर जल्दी उठ गया वो, मतलब 7 बजे उठ गया मतलब उसके पापा निकलने से पहले अगर वो उठ गया, तो उस दिन पता नहीं वो मतलब दिन में अपने आप ही सो जाता है, उसको सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जिस दिन वो लेट उठता है उस दिन तो भैया उसको मार लो पीट लो, वो नहीं सोता, मतलब 6 बजा देता है सोते सोते। तो अभी वो सो गया है, तो अभी मैं क्या करूँगी, अपनी थोड़ी बहुत जो ये सेटिंग वगैरह है ना वो सब करूँगी। मेरा ड्रेसिंग टेबल अभी तक खाली पड़ा हुआ है, सारे सामान उसमें वापस से रखने हैं। तो अभी लड्डू सो रहा है तो मैं पहले वही काम कर लेती हूँ। अभी भी खाना के उठी थी, थोड़ा सा मन था कि लेट लेट लो, लेकिन पहले निपटा देती हूँ काम। जब हम लोगों ने शिफ्ट किया था तो ये ऐसे ही रख दिया था ड्रेसिंग टेबल इस तरफ, लेकिन मैं इसको ना उस तरफ फेस करके रख रही हूँ, क्योंकि बेड के तरफ फेस करके मिरर को कभी नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ही गलत होता है। चाहे वास्तु कह लो या कैसे भी कह लो, ये बिल्कुल गलत होता है। मिरर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी ही करनी चाहिए। मैं कभी ये चीज़ें फुर्सत में बताऊंगी। और ये जो मिरर है, मिरर गंदा भी कभी नहीं होना चाहिए, मतलब अपना रिफ्लेक्शन एक गंदी जगह आप देखो, ये चीज़ भी बहुत गलत होती है, कहीं ना कहीं ये बहुत सारी नेगेटिविटी लेके आती है। तो ये तो बिल्कुल कोशिश करना चाहिए कि मिरर डेली साफ़ हो, डेली ना हो, एटलीस्ट जब भी आपको गंदा दिखे तब आप साफ़ कर लो। तो बस अभी सामान रखने से पहले मैं अंदर से भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और बाहर से तो मैंने कर ही लिया है। और अब मैं लेके आती हूँ अपना कार्टन, और ये कार्टन में सिर्फ ड्रेसिंग टेबल नहीं, बहुत सारा सामान यूं ही डम करके रखा हुआ है। अब मैं धीरे धीरे से इसमें देखती हूँ कि कौन कौन सा ड्रेसिंग टेबल में जाएगा सामान। और सच में आज ये करना ही बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सच में सुबह सुबह रमेश भी निकलता है तो उसको कोई चीज़ें नहीं मिलती है। ड्रेसिंग टेबल हो गई मेरी ऑर्गेनाइज, और ये 3 लिपस्टिक्स जो है ना ये निकली एक्सपायर्ड, कलर बार के थे, काफ़ी अच्छे थे और ऑलमोस्ट वैसे गिर चुकी थी, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल ही नया नवेला था, और ये मैंने बिल्कुल कम यूज़ किया था। ये है लैक्मे 9 to 5 का, ये 3 एक्सपायर्ड निकली। हट देती हूँ। बेड असेंबल हो गया था और आज मेरा ड्रेसिंग टेबल हो गया है ऑर्गेनाइज, और अब रह रहा है लिविंग रूम, वो मैं कल करूँगी। और मेरा काम तो हो गया है, लेकिन लड्डू अभी तक सो रहा है। मैं सोच रही हूँ मम्मी के साथ थोड़ा गप्पे शप्पे मार के आऊँ, थोड़ा टीवी बैठ के देख के आऊँ, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। हाँ आई, अपने गुड्डे को आशीर्वाद दिला रही हूँ, करो, वेरी गुड। Thank you.
कैसा है? जूस है? अच्छा लग रहा है? पियो पियो, जल्दी पियो, जल्दी खत्म कर लो, फिनिश कर दो जल्दी जल्दी। ये पिछले कुछ दिनों ना मैंने शॉपिंग करके रखी थी रमेश के लिए, चार शर्ट कुछ। रमेश को टाइम मिलता नहीं है कि वो कुछ खरीदे अपने लिए, तो मैं क्या करती हूँ हमेशा ही ऑनलाइन वगैरह कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ उसके लिए। तो मैंने बोला कुछ समरी की उसके लिए शर्ट्स वगैरह ले लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छी अच्छी शर्ट्स ली है मैंने उसके लिए। कम से कम मतलब चार शर्ट ली है, एक पैंट ली है और दो लोफर्स लिए शूज़, और एक उसके लिए सनग्लासेस लिए थे मैंने। अब उसका ऑफिस का थोड़ा लंबा हो गया ना, तब उसको लगता है थोड़ा आँखों में प्रॉब्लम होती है। तो ये इतने दिनों से आ रखी थी ये सारे कपड़े, कम से कम 10 दिन हो गया, लेकिन अभी तक ट्राई करने का मतलब टाइम ही नहीं लगा। इतने दिनों से हम लोग शिफ्टिंग में रह गए थे, और शिफ्टिंग हो गई उसके बाद भी कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प चाहिए होती है रमेश की, कि बेड वापस से लगाओ, वापस सामान बेड के अंदर डालो। तो कल तक भी हमारा बेड ही सेट हो रहा था, क्योंकि वो इतना तो हैवी बेड है, और फिर वो सारी चीज़ें उसका जो सिराना वगैरह लगाना था, तो कल भी हम रात के 12 बजे तक यही सब चीज़ें कर रहे थे, और अभी भी 10:30 के ऊपर हो गया। मैंने बोला भाई आज तुम ट्राई करके सारी चीज़ें ओके कर लो, क्योंकि रिटर्न का फिर टाइम आउट हो जाएगा, तो फिर रिटर्न भी नहीं होगा। तो अभी रमेश को पकड़ती हूँ कि ट्राई करो और देखो। अभी रमेश ट्राई करने लगा है सुबह, ये वाला टाइट है देखो, इसलिए कह रही थी मैं टाइम पे कर लो। तो फिर रिटर्न कर देंगे ना, इसलिए तो मैं कह रही हूँ टाइम पे कर लो, कम से कम रिटर्न तो चला जाए। अरे नहीं हो रहा तो इसको कर दो तुम, चलो दूसरी चेंज करो। वो रमेश ये कितनी सही लग रही है, ये मुझे कैसी लग रही है उधर, ये वाली शर्ट पहन के हिलके डुल के देखना पड़ता है क्या यार? ये सही है, बढ़िया लग रही है। ये थर्ड शर्ट है, एक तो सुबह ही पहनी थी इसने, वो तो बहुत पसंद आई है, और वो तो ऑफिस में भी तारीफ हो रही थी कि शर्ट बहुत अच्छी है। ओहो ओहो ये वाली बहुत प्यारी लग रही है रमेश, वाह बढ़िया लग रही है रमेश वाली। ये मम्मी को भी दिखा के आओ कैसी लग रही है, जाओ मम्मी को। ये पैंट नहीं अच्छी है, चलो ठीक है रिटर्न कर देंगे, जब मम्मी को दिखा के आओ। तो ये थी रमेश की शॉपिंग, और इसके अलावा मैंने दो भाई उसके शूज़ लिए थे जो कि वो ऑलरेडी यूज़ कर चुका है, तो उसको क्या दिखाना, और सनग्लासेस लिए थे। बस यही थी रमेश की शॉपिंग। तो अभी 11 बज गए हैं, तो अभी मैं व्लॉग को एंड करूँगी, बहुत लेट हो गया। अभी थोड़ा बहुत किचन वगैरह क्लीनिंग करके फिर जाऊँगी सोने के लिए, एडिट भी करना है वीडियो। तो चलिए आज का व्लॉग फिर यहीं तक रखते हैं, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए टाटा बाय बाय, चल रहा हो, बाय बाय।